नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा जो प्लेटफॉर्म है जो कि है सोशल मीडिया का, उसके ऊपर बताने वाला हूं कि किस तरह से वहां से जो ट्रैफिक जो है आप अपने एफिलिएट अकाउंट के ऊपर ला सकते हैं। सो दोस्तों, ये वैसे तो हम सभी जो है प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना है वो हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है हम सेल कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे जो है सबसे बड़ा चैलेंज होता है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कि अपने उस एफिलिएट अकाउंट के ऊपर ट्रैफिक लेके आना। तो ट्रैफिक लाने के लिए वैसे तो बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ एक ही ऐसा सोर्स बताऊंगा जिसके जरिए जो है काफी अच्छा ट्रैफिक आप अपने प्लेटफॉर्म एफिलिएट अकाउंट के ऊपर जो है ला सकते हैं। सो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो कि है facebook.com। तो facebook.com दोस्तों एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप अपने एफिलिएट अकाउंट के ऊपर काफी ज्यादा अच्छी जो है ट्रैफिक लेके आ सकते हैं, और जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा तो डेफिनेटली आप उसमें से कुछ ना कुछ कन्वर्जन तो डेफिनेटली होगा ही होगा। सो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप जो है फेसबुक के से आपके एफिलिएट अकाउंट पे ट्रैफिक ला सकते हैं, लेकिन इसको बताने के लिए मुझे आपको लेके चलना पड़ेगा लैपटॉप स्क्रीन पे, और वहीं चल के देखते हैं कि किस तरह से जो है ट्रैफिक हम फेसबुक से जनरेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको बताया कि आज हम बात करेंगे फेसबुक के बारे में। तो फेसबुक की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा फेसबुक के ऊपर हम लॉगिन कर चुके हैं, और लॉगिन करने के बाद क्योंकि फेसबुक सोशल मीडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम बहुत ही अच्छी ट्रैफिक जो है वो अपने एफिलिएट माय अकाउंट के अंदर गेन कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको जाना है यहाँ पे सर्च के अंदर, और यहाँ पे आपको अलग अलग ग्रुप सर्च करने हैं, जैसे कि अभी एफिलिएट ही लिख लेते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग ये लिख दिया हमने। तो आपको यहाँ पे जो है ये ऑल दिख रहा है, तो यहाँ पे ऊपर साइड पे आपको ग्रुप्स दिखेगा, तो आपको ग्रुप्स पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है पूरा एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड ही इतने सारे ग्रुप हैं, और आपको जो है इन ग्रुप्स में ज्वाइन करना है। लेकिन मैं आपको लोगों को बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के अंदर 8 या 9, मैक्सिमम 9 करें, इससे ज़्यादा मत करें, अदरवाइज जो है आपको जो है ज्वाइनिंग यहाँ पे बैन करी जा सकती है फेसबुक द्वारा। तो यहाँ पे जो है आप अगर ब्लैकलिस्ट हो गए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको जो है यही बताऊंगा कि आप मिनिमम 8 रखें या मैक्सिमम 9 रखें पर डे आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद इन ग्रुप के अंदर आपको क्या करना है, ये सारे ग्रुप आपको यहाँ पे साइड पे ये ग्रुप्स में जाएंगे, तो आपको इन ग्रुप्स में इस तरह से आपको दिखाई देंगे। तो जो भी आपके ग्रुप्स हैं ज्वाइन किए होंगे, आपको जो है उन ग्रुप्स के अंदर जाना है, और जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है पोस्टिंग्स करनी है। लेकिन क्योंकि आप अभी दूसरे ग्रुप्स के अंदर पोस्टिंग करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी जो है रेपुटेशन जो है इन ग्रुप्स के अंदर बनानी है, यानी कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना है उन ग्रुप्स के अंदर कि आपने कोई पोस्ट डाला और सीधा का सीधा जो है उन्होंने वहां से उठा के आपको जो है ब्लैकलिस्ट कर दिया या ग्रुप से बाहर कर दिया, ऐसा ना करें। क्योंकि आप बहुत ही एक दिन के अंदर एक ही डालें, या फिर अल्टरनेट, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि एवरी अल्टरनेट डे ही आप जो है किसी ग्रुप के अंदर पोस्ट डालें, और पोस्ट जो है बहुत ही सिस्टमेटिक होना चाहिए, बहुत ही सोफेस्टिकेटेड वे में होना चाहिए, ताकि वो उस ग्रुप की जो रेपुटेशन है वो खराब ना करें, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अगर इस तरह से रेपुटेशन बना के ग्रुप्स के अंदर रहते हैं, तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होगा, क्योंकि वहाँ पे आपका एक एक पोस्ट ग्रुप्स के अंदर जो रहेगा वो आपको काफ़ी ज़्यादा, आप बिलीव भी नहीं कर पाएंगे इतना ज़्यादा ट्रैफिक आपके पास आएगा। और उस ट्रैफिक को जो है आप अगर सपोज कर लेते हैं 10,000 का ट्रैफिक भी अगर आपको मिल जाता है एक दिन के अंदर, तो 10,000 में से 2-4 लोग तो होंगे जो कुछ ना कुछ खरीदेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको एफिलिएट मार्केटिंग का, इसी तरह आपको बताऊं ऑनलाइन मनी मेकिंग के बहुत सारे ग्रुप हैं, ऑनलाइन मेक मनी करके आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये भी करेंगे तो आप यहाँ पे ग्रुप्स में जाके देखेंगे तो इसके भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो इसी तरह अलग अलग आप यहाँ पे कीवर्ड डाल के सर्च करें और अलग अलग कैटेगरी में ग्रुप्स को जो है ज्वाइन करें, और फिर आप फैशन का ले सकते हैं, ठीक है, फैशन ग्रुप्स ले सकते हैं, तो फैशन डिज़ाइनिंग वाले हैं, तो इस तरह बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे आपको। तो इन सभी ग्रुप्स में अलग अलग कैटेगरी में आप ज्वाइन करें, इनके काफ़ी अच्छे जो हैं मेंबर्स होते हैं, आपका एक एक पोस्ट जो है आपको काफ़ी अच्छा ट्रैफिक जो है वो दिला सकता है। सो आप इनको ज्वाइन करें, और जैसा मैंने बताया कि ज़्यादा उस पर जो है एकदम पोस्टिंग्स ना करें, उसको जो है स्पैमिंग ना दिखाएं, ग्रुप की जो रेपुटेशन है उसको बनाए रखें, और आपका जो एफिलेट है डेफिनेटली उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगा और कन्वर्जन रेशियो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों आई होप कि आपको जो है फेसबुक के अंदर किस तरह से अपना ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं ये समझ में आ गया होगा, किस तरह से आपको जो है क्या क्या काम करना है फेसबुक पे। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।